हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मी चैनल आना की दुनिया। तो रात की बज रहे 10:30 और यहाँ पे मैं राइस को मैंने बॉईल कर लिया और साथ में इसे कड़ी पत्ता कुछ ड्राई फ्रूट्स और बीन्स के साथ फ्राई कर रही हूँ। सो कल सुबह सुबह हमें निकलना है, 5 बजे हमारी फ़्लाइट है टू ले। सो फाइनली वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप टू ले लद्दाख एंड आई एम सो एक्साइटेड। और देखो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स चला दिए, ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़े से रोस्ट करके रखे हैं बिकॉज हम पहाड़ों में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें काम आएगा। सो ये रहे मेरे राइस, ये 3 डब्बे मैंने पैक कर लिए, साथ में थोड़ा सा कर्ड और आलू पराठा है। और साथ में हम इस तरीके से नमकीन और कुछ बिस्किट्स कैरी कर रहे हैं। बादाम तो मैंने जला दिया जैसे कि आपने देखा, बट अच्छा रोस्ट हो गया है। तो ये सारे आइटम्स हम रख रहे हैं बिकॉज हमें अब अगले आने वाले 1 हफ्ते के लिए बाहर का खाना खाना है। तो जितना हम घर का खाना खा सके तो हम ब्रेकफास्ट इस तरीके से लेके जा रहे हैं और यहाँ पे मैं बनाना खाते हुए। सो फाइनली वी आर लीविंग फॉर अ ट्रिप नाउ। यस, वी आर लीविंग फॉर लेह लद्दाख। आप देख सकते हैं देवी और सज्जनों, डीजी यात्रा का जिक्र करते हैं, सब लोग अपने अपनी डीजी यात्रा पर लग चुके हैं। हर्षित फोन खाली कर रहा है, पता नहीं कब होगा। रोहित भी डीजी यात्रा के प्रोसेस में लगा हुआ है। डीजी यात्रा की सुविधा से आपको जल्दी एंट्री मिल जाती है। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं भी लगेज में आ गई, मेरे पिंपल्स दिख रहे हैं, बैगेज में डाल दो। शुभी हमारे लिए मोदक बना के लाई है गाइस। किसने बनाया? हर्षित की मॉम ने। हर्षित की मॉम ने मोदक बनाया हमारे लिए गणेश चतुर्थी की खुशी में। ये रहे मोदक। हाँ, अंदर तो काम कर ही नहीं रहे। ये सैंडविच वो ठाकुर बाल सवारते हुए। हर्षित सर बहुत बिजी आदमी है, बहुत काम करते हैं। मैं वेल्ली मोदक मुझे टेस्ट करने दीजिए। चिप्स इसके अंदर डाल के खाना है। ऐसा है? नेट तो हो गया। हाँ हाँ, चलो आए तो कर ही लेते हैं। ठीक है, वो होल्ड पे रखता हूँ। इसमें अभी गरम है। अभी मेरे पास 9000 है यार, अभी पूरा 7000 दे दूंगा तो मेरे पास 2000 बचेगा। थोड़ा तो अलग लगा। 5000 दो मेरे को, इधर से प्लेन वाला खाना चाहिए। तो पैसा चाहिए मुझे, डर तो हो गया अभी। मैं तो खाऊंगी नहीं, इतना भी पता नहीं। जिस दिन सैटरडे संडे होता है ना, उस दिन ज्यादा भूख लगती है ना। गाइज, जब भी आप ऐसे पहाड़ों पे ऊंचाई पे घूमने आए, आप इस तरीके से कैंफर की पोटलियाँ अपने साथ कैरी करें। हर्षित की मम्मा बहुत अच्छी है, उन्होंने हम सबके लिए ढेर सारे ऐसे कैंफर की पोटलियाँ बना के दी है। तो हम ऐसे खुशबू लेते लेते हम चलेंगे, इसे पॉकेट में हमेशा रखें। ये आपके ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी नेजल कैविटी को बिल्कुल क्लियर करेगा। हर्षित की मम्मा ने हमारे लिए वो भी बना के दिए, मोदक भी बना के दिए, हमने वो भी इन्जॉय किया।
So after having a bowl of Maggi, now we are here to explore the local Leh market. So we wanted to see the options available here, खाने पीने का क्या है, साथ में थोड़ा बहुत citrus fruits भी हमें लेना है क्योंकि हम नई जगह पे आए हैं, तो food से ज़्यादा ये सब चीज़ें खाने का मन कर रहा है। और ये देखिए एक शॉप दिखी जहाँ पे ये सारी ट्रेडिशनल आइटम्स से वेयर करने के लिए, बट दोज आर वेरी कॉस्टली, मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा। और ख़ासतौर पे मुझे लगता है जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें महंगी और बताते हैं बाहर के लोगों को देखकर। हमें बाइक भी रेंट पे लेना है, तो बस हम थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये सारी क्यूट क्यूट चीज़ें जो मुझे दिखी, और साथ में ये छोटी सी किटी भी दिख रही है, कितनी प्यारी सी है। 200 भी करो। पचास का पाव। 180 रुपए किलो। आज फर्स्ट डे है अभी तो, ये है मीठा है, एप्पल मीठा है, कपूर कपूर मीठा नहीं है आंटी, मीठा नहीं है। आगे अच्छा तो हमारे भूखे नंगे दोस्त खाते हुए हेल्दी हेल्दी चीजें, अच्छा रीडिंग है। यहाँ मेरा पति खाते हुए, यहाँ शुभी खाते हुए, और भैया नमक भी लेकर आ गए हैं कटे हुए। बस बस इसकी वीडियो बनाई चाहिए, क्लोज अप बना लिया, क्लोज अप में अब कैसे डालूं मैं और नमक, क्लोज अप में बस यहाँ पे। मेरे हाथ पे तो गिर जाए सारा, तो वो तो गिरेगा ही ना, मेरा हाथ चाट गया। बीपी लो ठीक हो जाएगा। तो मैंने इसका हेयर ले लिया। आखिर ये क्या है, ये क्या है जिससे आपकी आधी आंखें बंद हो गई? एक मेरी। आप बांट रहे हैं, मैं मेरे पास भी है। गाइस ही इज द सप्लायर इन द डक मार्केट, आई एम टेलिंग यू। मिल गया? नहीं। सो फाइनली हम लोग ले का फर्स्ट डे है, सो यहाँ पे हम लोकल मार्केट हमने एक्सप्लोर किया, उसके बाद हम आ गए हैं शांति स्तूपा पे, उसके बाद हम बैक टू होटल जाएंगे। और यहाँ देखिए कितना प्यारा व्यू है, हालत खराब होगी चढ़ते चढ़ते।
शांति स्तूप एक्सप्लोर करने के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं। हमें कुछ नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स और हेलमेट्स देखने हैं, बिकॉज हमारा जो लद्दाख का ट्रैवल है पूरा का पूरा हम बाइक राइड करेंगे, सारे व्यू को एंजॉय करेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर हेलमेट होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ स्टे बुक करना है, पद्मा गेस्ट हाउस देखा हुआ है, ठीक है। जो मैंने करी है, हा, 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 हा।
जीना जीना कैसे जीना, जीना।